नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव मैं हूं आप खुशी आइए देखते हैं कुछ खास खबर मकान मालिक ने युवती को बांध कर बनाया और बनाकर किया रेप न्यूड वीडियो वायरल करने के लिए देता था धमकी पुलिस ने किया गिरफ्तार छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से कर गिरफ्तार कर दिया गया है और युवती का न्यूड वीडियो भी बना लिया था और वायरल करने की भी धमकी दे दिया था ब्लैकमेल भी करता था मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है पता चला है कि युवक पहले किराएदार युवती को घुमाने के बहाने ले जाता था और बंधक बनाकर रेप उसके साथ किया और इसी दौरान उसने मोबाइल पर यह वीडियो भी बना लिया लेकिन युवक ने जबरदस्ती युवती से संबंध बनाया और उस दौरान उसने शादी करने का वादा भी किया ब्लैक करने लगा। यूती ने पुलिस दर्ज करा ली और जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है दरअसल चौबीस वर्षीय एक युवती पिछले एक साल से सिविल लाइन थाना इलाके में रहती थी जिसके साथ परिवार के सदस्य भी रहते थे उसके प्राइवेट जॉब थी और इसी बीच युवती घर पर मस्तूरी की खरीदार निवासी मालिक मकान मालिक दीपक गेंगल

घटना की जानकारी को को किसी को नहीं दी इसलिए उसने शादी करने का किया कुछ दिन बाद बीतने के बाद ने जब दीपक के घर करने के लिए दबाव बनाने तो लगा ताकि युवती उस पर शादी का दबाव नहीं बना सके युवती ने पुलिस को बताया कि दीपक ने उसका न्यूट वीडियो बना लिया है जिसकी पहले जिससे तो पहले उसने जानकारी नहीं थी आरोपी युवक की प्रताड़ना यही खत्म नहीं हुई उसने युवती को न्यूड वीडियो वायरल करने की भी धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू किया तो वही तब रोज की प्रताड़ना तीन सौ अड़तीस गोंगल को छह के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी दीपक का न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है दिल्ली में 16 साल की रेप प्रति से रेपिस्ट की मां ने खुद को गोली मारी वारदात की सूचना के बाद नाबालिग को पकड़ लिया गया दिल्ली पुलिस ने अधिकारियों से शनिवार को इसकी जानकारी पुलिस दी है पुलिस के मुताबिक नाबालिग ने दो हजार में महिला के 25 साल के बेटे पर रेप का आरोप लगाया था और वह शख्स फिलहाल जेल में है आरोपियों ने बताया कि गोली लगने के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत खतरे से बेहतर बताई जा रही है शाम करीब बजे पुलिस को गोली की सूचना मारी की सूचना मिली है पुलिस उपयुक्त पूर्वोत्तर संजय कुमार सेन ने कहा है की पुलिस कंट्रोल रूम को करीब शाम साढ़े बजे भजनपुर के घोड़ा इलाके में चलने की गोली चलने की सूचना मिली थी जब पुलिस ने एक टीम मौके पर पहुंची उन्होंने बताया गया कि पहला ने उसके एक परिचित नाबालिग ने गोली मारी है और पीड़िता को स्थानीय लोगों ने जन प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया है अस्पताल पहुंची पुलिस ने जानकारी मिली है कि अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर किराए के दुकान चलाती थी जब महिला अपनी दुकान पर थी तब लड़की लड़की के पास आई और गोली मारकर फरार हो गई एक चर्चाकर्ता ने भी कहा है कि लड़की को कुछ घंटे पहले भी तरल पकड़ा गया था और उसके द्वारा इस्तेमाल की गई देसी पिस्तौल बरामद कर ली गई है अब तक की जांच में सामने आया है कि लड़की आरोप लगा रही थी कि दो में महिला के बेटे ने उसके साथ बलात्कार किया है जिसके बाद बलात्कार के आरोप पर अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के संबंध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था 25 साल के आरोप को तब तक गिरफ्तार कर लिया गया था और तब तक उसे जेल में भेज दिया गया है और अभी वो जेल में बंद है एक अन्य जांचकर्ता ने कहा है कि अभी यह पता नहीं चल पाया कि लड़की ने महिला को गोली मारी क्यों और जबकि उसका बेटा पहले से गिरफ्तार हो चुका था जांच जांच प्रारंभिक चरण पर है और लड़की से लंबी पूछताछ के बाद मकसद स्पष्ट हो जाएगा हम मकसद का पता लगाने के लिए महिला और उसके परिवार को और आरोपी के परिवार से भी बात कर रहे हैं पुलिस ने इस बात की भी जाँच कर रही है कि लड़की के पास हथियार कैसे और कहाँ से आया हैवान बना पति पत्नी को होटल में खिलाया खाना फिर फूल से फेंका जबकि जिंदा देखी तो पत्थर से कुचल दिया मध्य प्रदेश से यह घटना सामने आई है जिले में पति ने पत्नी की हत्या कर दी पुलिस ने बताया दुर्घटना में पत्नी की मौत हो गई है पुलिस ने को शक है कि सख्ती से उसकी पूछताछ की और हत्या की बात सामने आई है आरोपी ने बताया कि उसने खुद ही पत्नी को जान से मार डालने की कोशिश की है और पत्नी और ससुराल वालों पर ने मुझ पर दहेज का केस बनाया था और मुझे जेल भेजना पड़ा था इसी के बाद बदला लेने के लिए पत्नी की हत्या कर दी दरअसल मामला नरसिंहपुर जिले के केरल में थाना अंतर्गत का है पांच जनवरी को शैलेंद्र शर्मा पत्नी 27 वर्षीय दीपा बमन को होटल के खाना खिलाने लेकर आया था खाना खाकर दोनों बाइक से वापस आ रहे थे राष्ट्रीय मार्ग चौवाल पर बने रेलवे ब्रिज पर गाड़ी रोककर शैलेंद्र ने अपनी पत्नी दीपा को नीचे उतारा और दीपा जब तक समझ कुछ पाती तब तक पत्नी पति ने दीपा पुल से ही नीचे फेंक दिया जिंदा बचने पर पत्थर से कुचल दिया शैलेंद्र ने देखा कि पचास फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी दीपा जिंदा है तो वह पुल के नीचे उतरा और पत्नी को पास से ही पहुंचा और दर्द से घर आती पत्नी को पत्थर से कुचल कर मार डाला पत्नी की बेहरमी से कत्ल करने के बाद आरोपी पति को पुलिस ने संपर्क किया और उसे गिरफ्तार कर लिया ऐसी खबर फिर लेकर आएंगे इसी समय जगह तो तक देखते नेटवर्क नमस्कार और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज